सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले एक पाइप, फिर पाइप के बाद यहाँ पे ले रहे हैं हम एक मीटर का वायर, और अब ले रहे हैं इसके बाद हम यूएसबी। जैसे आप देख सकते हैं यूएसबी केबल से मैंने इसको काट के निकाला है, जो मेरी ख़राब यूएसबी केबल थी जिसको हम लोग को रिपेयर करना है। उसी की हम यहाँ पर पिन ले रहे हैं, 5 वोल्ट पिन जैसे लिखा है आपको, ये यूएसबी केबल की पिन है। चलिए हम इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट इसके अंदर वायर अब चला गया है, जाने के बाद हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वायर कनेक्ट करने के बाद फिर हम नेगेटिव वायर इसका हम लगाएंगे यूएसबी केबल का। हमने यहाँ पे नेगेटिव वायर भी लगा दिया दोनों वायर को, जो आगे से जो हमने पाइप में जो वायर लिया था उसमें हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, यानी प्लस में प्लस माइनस में माइनस। हमारे जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो गई। हम इसमें अब थोड़ी टेपिंग कर देंगे कि शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम इसकी अंदर टेपिंग कर दें। टेपिंग करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेपिंग कंप्लीट हो गई। अब टेपिंग होने के बाद हम इसको हम फ़ोन में लगा के चेक करते हैं कि ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने फ्रंट चार्जर को ऑन कर दिया, फ़ोन में लगाया तो यहाँ पे 87% चार्जिंग बता रही है। जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे 87%। मैं आपको इसको फिर से ऑन करके दिखा दूँ। ये देखिए इसका केबल है जो हम लोग ने बनाया है। ये देखिए मैं इसको आपको पकड़ के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसकी हम फिर से टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से पावर स्विच ऑन कर दिया है। ये हमारी फिर से बैटरी चार्जिंग बताना हो गया है। यहाँ पे 87%